हाई इन फैट कंटेंट, हाँ और वो वेरी हाई, लिटरली आपको दिन में 2 से 3 दफा, जो आपके बड़े बूढ़े हैं वो कहते हाँ हैं कि ये खाओ ताकि ताकत हो, बच्चे को सही नरिशमेंट जाए, वो बच्चे को तो वैसे ही और आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हाँ मगर आपके ऊपर जो लग रहा होता है राइट उसका फिर वो मदर्स आर सेकेंड ग्रेड सिटीजन ना। नहीं, हाँ बट अगर पंजीरी या जो भी आप कह, जो भी चीज होती है, सूजी और पता नहीं मखाने और क्या क्या, बिल्कुल वो तमाम चीजें हैं, लेकिन उसमें ताकत तो जरूर होती है, बट उसको आप थोड़ा सा ऑल्टर भी तो कर सकती हैं। जरूरी नहीं है उसको घी में बनाया जाए, जरूरी नहीं कि उसमें शुगर बहुत ज्यादा मिलाई जाए। व्हाट डू यू से? हाँ कुछ लोग गुड़ में भी बनाते हैं, पुराने जो लोग हैं आयुर्वेदिक सॉल्ट, दे मेक इट इन गुड़, अच्छा और शुगर वगैरह नहीं डलती, शहद डलता है, प्योर शहद। बट 2 या 3 टाइम्स रिकमेंडेशन नहीं होता, एक दफ़ा वो भी दूध के साथ, ठंडे दूध के साथ, क्योंकि वो इतना गर्म होता है कि इट शूट्स अप द बीपी क्वाइट अ बिट। तो ओनली वन टी स्पून देते हैं, या हाफ टी स्पून देते हैं विद अ कोल्ड मिल्क, दैट्स इट। अच्छा, ये आप जो कह रही हैं, थोड़ा सा मैं इससे आपसे डिसएग्री करूंगी। मैं पूछूंगी, अब हमें तो जो पढ़ा है या जितना मालूम है, ये हमारे यहाँ जो है ना कि ये ठंडा होता है और ये गर्म होता है, ये कोई नहीं, मैं लेट मी समझ में नहीं करेक्ट आता। यू, ये मैं आयुर्वेदा फॉर्म से बोल रही हूँ। अच्छा अगर इनको सप्लीमेंट्स नहीं दे दिए गए, आयंस है या वाइटामिन मिनरल्स है, कैल्शियम है, जिंक है, ऑक्साइड है, देन सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है। आई एम टेलिंग यू ओके टू थिंग्स, ठीक है ठीक जो है। आयुर्वेदा है, हर्बल है, होम्योपैथ है, ये सब इंक्लूडेड है। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू से कि अगर आपने पेशेंट को या इस वक्त जो खवातीन देख रही हैं, आपने मल्टी विटामिन प्रिस्क्राइब कर दी और जी आप ताकत की गोलियां ले रही हैं, और उसका ये नेमुल बदल हो सकता है, कोई भी एक इसका डाइट नहीं है, सब्स्टिट्यूट? क्योंकि आप इतनी बैलेंस्ड डाइट ना हाँ यूजुअली नहीं ले रही होती खवातीन, हाँ सनलाइट को एक्सपोजर नहीं है, धूप में नहीं जाती, तो वाइटामिन बिल्कुल डी जो है वो लैक्टेशन के दौरान आपको, अदरवाइज भी आपके अंदर कम ठीक है, है वाइटामिन डी और कैल्शियम आपको ज़्यादा चाहिए। राइट एक और ये जो आपने भी ना बहुत अच्छी बात की, एक और मिथ है कि वो समझते हैं कि अगर हम ताकत की गोलियां खा रहे हैं तो उससे मोटे हो जाएंगे, तो वो हाँ वाइटामिन या मिनरल्स या जो उन्हें दिए जाते हैं वो नहीं ले रहे होते, और उसके बजाय ये सारी कुछ चीज़ें ले रहे होते हैं, हाँ और ये समझ रहे होते हैं कि अगर हम गोलियां खाएंगे तो हमारा वैसे ही वजन तो ज़्यादा और वजन बढ़ मोटे हो जाएगा। जाएंगे। राइट राइट उन गोलियों से वजन नहीं बढ़ेगा, वो तो सिर्फ आपको एसेंशियल मिनरल्स वाइटामिन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उनसे हाँ वजन नहीं बढ़ता। और वो इसलिए दी जाती हैं आपको कि हमारी जो डाइट है, या हम अगर डाइट कर रहे होते हैं तो हम उसमें लैक करते हैं, वो चीज़ें होती नहीं हैं। और आजकल जो हमारे जिस तरह का लाइफस्टाइल है, हम बहुत नहीं खा सकते, उसको कंज्यूम भी नहीं कर सकते, तो इसलिए ऊपर से ओरली दे दी जाती हैं, जो आपकी हेल्प करती हैं बहुत सारी और चीज़ों में जो बॉडी में मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं। एक कॉल लेते हैं और, किसकी? सना की। ओके सना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसा आप भी? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग कराची, ठीक ठाक है आप? खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपकी डॉक्टर से बात करनी थी, जी श्योर। लेकिन पहले मैं आपसे बात करूंगी। आज मेरी बर्थडे है, आप मुझे विश करेंगी? ओहो, हैप्पी बर्थडे। हाँ थैंक यू सर। शायद आप ही, बट मुझे आपका एड्रेस चाहिए, प्लीज शायद आप ही दे दें। हेलो अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा से बात पूछें आप। पहले मुझे बताया, मुझे अपना एड्रेस दे। मैं हेलो, रूबी शकील से पूछ के बता सकती हूँ ये तो। अच्छा मुझे डॉक्टर साहिबा से ये जी पूछना था कि मेरी सिस्टर हैं, उनकी दूसरी दफा डिलीवरी हुई है, तो उनका पेट बहुत ज्यादा ना लटक गया, और वो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वो और लटकता जा रहा है। बाकी फिगर उनकी नॉर्मल है, जो पेट के ऊपर सारा जा रहा है और पेट उनका नीचे नीचे जा रहा है। तो मैंने कहा इसकी वजह बता दें, क्या वजह, ताकि वो उसके अवॉइड कर लें। आप इसकी कोई वजह अभी सवाल हमने, पूछना हाँ चाहेंगे? इसकी वजह जो है ना, हमने अभी शुरू में ही डिस्कस की थी कि प्रेगनेंसी के बाद जो है वो एब्डोमेन आपका लेक्स हो गया है, ढीला हो गया है, तो इन्हें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि ये जो है ये वापस से टोन अप हो जाए। टोन अप हो जाएगा तो पेट अंदर चला जाएगा, और टेम्परेली ये कर सकती हैं कि ये बेल्ट पहन सकती हैं उसको होल्ड बैक रखने के अच्छा लिए। बेल्ट का हमें बताएं, बेल्ट का वो कहते हैं कि जी डिलीवरी के बाद बेल्ट फौरन बांध लेनी चाहिए, और ये सही है या नहीं? पुराना कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट बिल्कुल। है। अभी मार्केट में इतने गैजेट्स निकले हुए हैं कि टोनिंग मसल के लिए आप बेल्ट पहन लें, हाँ या आप मसाज करवा लेंगे, जो मसाज और वाइब्रेटर्स होते हैं, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। कि बॉडी शुड ब्रीथ एज इट्स ओन स्पेस, अगर एक्सरसाइज है, न्यूट्रिशनल डाइट है, लॉट ऑफ लिक्विड्स, हाँ लाइक 12 to 14 ग्लासेस ऑफ लिक्विड्स। ये नहीं कि आप चाय में भी, मतलब चाय को भी काउंट करें,
मिल्क के जूसेस को भी काउंट करें, दैट्स अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, इट हैज टू बी कंज्यूम्ड. सो बेल्स कॉर्सेट्स दैट वाज ओल्ड, यस, जेन फोंडा के जमाने में होता था. एट दैट टाइम यू यूज टू वेयर द कॉर्सेट आफ्टर द डिलीवरी, इट मेक्स द टमी गो इन, बट It doesn't. Lot of complications. तो सर आपकी नजर में क्या एक्सपीरियंस रहा है, पेशेंट्स जो कॉर्सेट्स वगैरह पहनती हैं, बेल्ट पहन लेती हैं, उनको कोई फायदा होता है अंदर पेट ले जाने? They feel better. They feel better. देखो आप एक चीज जो है लटक रही है और आप उसको एकदम से कोई जादू वाला इफेक्ट तो नहीं हो सकता. एक्सरसाइज या जो भी आप करेंगे वो टाइम लेगी, बट अगेन उन्हें एक्सरसाइज तो करनी है. हाँ वो तो उन्हें करनी है, लेकिन टेम्परेली इट विल होल्ड द थिंग्स बैक, तो दे विल फील बेटर. एक साइकोलॉजिकल आपका वो गेट अवे है, कपड़ों में स्लिप इन होना है, पार्टी में जाना है, यू नो कैरिंग अ बेबी, व्हाट वुड बी द शॉर्टकट? ओके, पुट इट ऑन. ड्रेस पहन ये वो वाला शॉर्टकट है जो आपको फिलहाल जब आप पहनते हैं ना, तो एक और चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है कि यू एंड अप ईटिंग लेस. ओ यस, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर बिल्ड हुआ है, इतना प्रेशर बिल्ड होता है, तो वो जो रिलैक्स्ड एटीट्यूड होता है ना वो आपका, एंड यू कॉन्शियस, ये साइकोलॉजिकली आप कॉन्शियस कि मैंने बेल्ट पहनी हुई है, खा मैं ज्यादा सकती नहीं हूँ. तो आई थिंक एडिंग ऑन टू व्हाट डॉक्टर रुबीना सेड, दैट एक साइकोलॉजिकल भी है, दूसरा इट हेल्प्स ऑल्सो कि आप फिर थोड़ा सा आपका एटीट्यूड जो होता है वो यूर कॉन्शियस. हाँ राइट, तो ऐसी चीजें भी डिलिबरेटली करें जो आपको कॉन्शियस बना दें और आपको मजबूर कर दें कि आपने वेट लूज करना है. लेकिन मैं अपनी पहली कॉल की तरफ चलूंगी और यहाँ से ही ब्रेक लेना है मुझे. उन्होंने कहा मेरा 20 kg ज्यादा है, तो देखें सफर बड़ा लंबा है, लेकिन जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगी तब तक आप तय नहीं कर सकती हैं. इसलिए आज से ही स्टार्ट करें कि आपने आज के बाद अपने ऊपर एहतियात करनी है. और 20 kg ऐसा है कि मतलब ऑब्वियसली मुझे तो लगता है सालों में सफर तय होगा, या साल में तो एटलीस्ट होगा, जब कुछ लोगों को फर्क आना शुरू होगा और नजर आना शुरू होगा वो ऑब्वियस होगा. तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस आपको अपने अंदर ला के फिर डील करना होगा इसको. ये नहीं कि आप 2 दिन में या 4 दिन में या 6 महीने में चाहें कि मैंने तो लूज कर देना है, ऐसे आप हिम्मत जरूर कर सकती हैं. तो यहीं पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपसे और बातें करेंगे और आपकी लाइव कॉल लेंगे और आपके सवाल डॉक्टर साहब से और बकिया हमारे अपने 2 मेंबर से जरूर पूछेंगे. कीप वॉचिंग एंड कीप ड्रीमिंग. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. टॉक शॉक से रोजाना सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बात करें सिर्फ 4 रुपए 99 पैसे में. सुबह होती है, शाम होती है, 5 पैसे में बात होती है. नेस्ले क्रिएशन से कुछ जादू हो जाए.